Assalamualaikum, welcome back to my channel. I hope you are doing very well. So, आप सबको अलविदा जुम्मा बहुत बहुत मुबारक. बहुत सारी दुआएं करना और दुआ में याद रखना. तो अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी नमाज भी हो चुकी है और मेरा कुरान पढ़ के हुआ है. अभी मैं सूरह जुम्मा पढ़ने जा रही हूँ. और आप लोग गो के रोज़े कैसे जा रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताना. और मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ गाइस आप लोग के लिए. आप लोग कमेंट करना, मुझे लाइक करना, शेयर करना. अभी जो भी है आप लोगों को मैं बताती हूँ. अभी मैं जा रही हूँ सूरह जुमा पढ़ने, फिर मैं अभी असर की नमाज़ पढ़ लूँगी, उसके बाद आप लोग से मिलती हूँ. तो गाइस मैं नमाज़ पढ़ के अपना बुरका पहन ली हूँ और सैफ भी इधर रेडी है. और ना हम लोग जा रहे हैं, पहले फ्रूट लेने का है, फिर वो फ्रूट लेकर सारे मस्जिद में देना है. मस्जिद में देने के बाद मम्मी के तो जाके अफ्तारी करेंगे. क्यों? क्योंकि उसके बाद फिर हम लोग को बॉम्बे जाने का है. तो मैं क्यों जा रही हूँ वो भी आप लोग को बता दूंगी. तो चलती हूँ अभी आपको बता दूँ. हम लोग अभी आ चुके हैं लिफ्ट में. यहाँ सैफ तो भाई लग रहा है इनकी जुम्मा है, इतना तैयार हुआ है. तैयार नहीं हुआ यार, किधर हुआ भाई? नमाज पढ़े थे क्या? अल्हम्दुलिल्लाह. देखो इधर नमाज पढ़े तुम, झूठे. खाली तैयार हो गए बस. तो हम लोग फ्रूट की दुकान पर आए हैं. फ्रूट ले ले, मीरान इधर है, सैफ खड़े इधर फ्रूट ले रहे. फ्रूट लेकर मस्जिद में देना है, फिर और भी क्या लेते बताती हूँ. हम लोग ने मीरान को फ्रूट दिलाकर भेज दिए, फिर इधर आ गए हैं मॉडर्न टेलर के पास, जो सैफ के टेलर है. अभी सैफ उनको कुर्ता दिए है, तो बात करने गए अंदर. अंकल की दो दो शॉप है इधर मॉडर्न, और एक नंबर फिनिशिंग से. सैफ के फॉर्मल्स और कुर्ते बहुत फिनिशिंग से सिल के देते हैं. दूसरी मस्जिद में अफ्तारी देना है. ये दूसरी वाली मस्जिद है, सैफ यहाँ खड़े हैं. हम लोग डायरेक्ट लेकर दे रहे हैं ऐसी, क्योंकि अभी घर पे कट करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं है ना, इसके लिए हम लोग सोचे ऐसे ही दे देंगे. गाइस ये भी मस्जिद में हम लोग ने अफ्तार दे चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं. यहाँ पर बहुत ही रश रहता है, बाप रे. रौनक की बात ही अलग होती है. देख लो आप लोग अभी रगड़ा ले रहे हैं सैफ यहाँ से. मम्मी के इधर आ गए हम लोग, जा रही हूँ ऊपर. ससुराल अफ्तारी करने के लिए कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ. मैं रेडी होके मम्मी के इधर से नीचे उतर चुकी हूँ. अभी जा रही हूँ शॉप पर. और मैंने बुरखा इसके लिए उतार दी क्योंकि वहाँ पर है ना कपड़ा, मुझे देखने के टाइम पे समझ में नहीं आ रहा था बुरखे के ऊपर, इसलिए मैं बुरखा उतार के जा रही हूँ. तो चलो अभी मैं जा रही हूँ, आप लोग को बताती हूँ. अरे क्या हो रहा है चाचू, खैरियत? बैठे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे शॉप पर कस्टमर्स आते ही रहते है. और देखो यहाँ पर भी आए हुए हैं कस्टमर्स. निकल चुके हैं टाउन जाने के लिए, तो अभी रास्ते में है. वहाँ पहुँच कर आप लोग को बताती हूँ. ये देख सकते हो आप लोग अभी जा रहे हैं, वहाँ जाके फिर आपको बताती हूँ मैं क्यों गई हूँ, मतलब क्या करने जा रही हूँ. फिर से मैं आ चुकी हूँ मीनारा मस्जिद पर. यहाँ पर सैफ है, कस्टमर थे क्रीम के, उनको भी क्रीम चाहिए था, तो वो भी हम लोग दे चुके हैं. अभी जा रहे हैं अपना काम करने के लिए. यहाँ पर सैफ खड़े, अभी मैं देख लूँ अपना कपड़ा, फिर उसके बाद आप लोग को बता दूँ. मैं आ गई हूँ यहीं पर, सैफ यहाँ बैठे हैं. अभी कपड़ा देख लूँ, उसके बाद मैं फटाफट यहाँ से भी निकलती हूँ. चलो अभी इनको कुछ तो पसंद आ गया अल्हम्दुलिल्लाह. हम भी यहाँ बैठी है, हुनर है आप
तो आंटी क्या तुमको देखे क्या सामान ले कपड़ा लेके निकल चुके हैं सर, यहाँ पर है, मैं भी निकल गई हूँ और अभी हम लोग जा रहे हैं ज्वेलरी वाले के घर। वहाँ जाके मैं आप लोग को बताती हूँ, यहाँ आवाज़ तो आ रही नहीं होगी आप लोग को क्योंकि यहाँ बहुत शोर हो रहा है और गर्मी की वजह से मैं बुर्का भी नहीं पहनी और मेरे को कपड़ा भी पहन कर देखना था इसके लिए नहीं पहनी और अभी मैं जा रही हूँ वहाँ पर, तो मैं आप लोग को वहाँ जा के बताती हूँ। चलो हम लोग आ चुके कल की वही सेम प्लेस पे, वही जगह पे, क्योंकि आज अमरीन का कपड़ा थोड़ा चेंज कराने का था, पहले तो पसंद आता है फिर वहाँ जाके मालूम है लड़की लोग को पसंद नहीं आता, फिर अमरीन का क्या है भाई सीख पाओ खाने में अमरीन बिजी है, ये हमारा फेवरेट है, हम जब भी मुंबई आते हैं अलहमदिल्ला यहाँ से सीख पाओ खाते ही है और यहाँ पे जूस पीते सेब का। ठीक है वीडियो में बने रहिए फिर इंशाल्लाह कुछ और दिखाते हैं। अल्लाह देखो सेब का जूस खाने के लिए तो खाने के बाद तो ये तो बनता ही है। हेलो अम्मा मेरे को नहीं चाहिए, मेरे लिए मैं ही चाहिए नहीं नहीं बोल के पी लिया। प्रॉपर्ट मार्केट से जहाँ से हम लोग सीख पाव खाते हैं हम खा लिए। अभी सैफ को अपना कंफ्यूजन दूर कराने के लिए सैफ दुकान पर गए, उनको आप लोग ने देखे थे पिछले व्लॉग में, मतलब बुरला से कैट की चप्पल लिए थे, अभी फिर से एक और चप्पल उनको कैट वाली लेना है, तो उधर देखो गए हैं आपको दिख रहा होगा शायद से ब्लैक कैप में, अभी देखो बाजू की शॉप में गए हो। सैफ के इंतज़ार में, सैफ आ जाए उसके बाद फिर मैं भी आगे भी जाने वाली हूँ। मैं आप लोग को बोली थी कि मैं ज्वेलरी की शॉप पे जा रही हूँ लेकिन सैफ बोले कि चलो पहले कुछ खा लेते हैं के बाद में अपन फिर जाते हैं, इसके लिए मैं बैठी थी अभी जाती हूँ। आ चुके हैं हम लोग जस्ट शालीमार और ये नूर मोहम्मद जी होटल है अपोजिट रोड पर, इधर ही से मैंने ज्वेलरी खरीदी थी वहाँ पर सामने, देखो यहाँ पर अंदर शॉप है नूर जहान इमिटेशन ज्वेलरी जो लिखा है वहाँ से ली थी, अब जा रही हूँ जाके आपको बता रही हूँ। सब सामान लेके जा चुके हैं तो फिर अमरीन को थोड़ा सा कुछ चेंजिंग करने का था तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं अभी, अब देखते क्या है इसका रोल उसके बाद पता। मो इनके साथ में आने का और इनका काम भी करने का, इनको पकड़ के आईना दिखाने का, देखो मैडम देखे पास, तो अभी जा रहे हैं सैफ की शॉप पर। देखो यहाँ पर ही ये सामने ही बोर्ड है, देखो सैफ की शॉप का ओपो लिखा हुआ है ना, जस्ट वो ही है, तो अभी चलो वहाँ जाके आपको बताते दुकान पे। अभी शो भी दुकान बंद कर रहे हैं, सैफ के भाई सैफ इधर खड़े, सैफ के डैडी इधर खड़े और मैं इधर अंदर खड़ी हूँ, देखो अभी खड़ी हूँ मोहम्मद को भेजू कपड़ा लाने के लिए घर से, क्योंकि वो जो घर के बच्चे लोग के कपड़े हैं ना वो कुछ ना कुछ हो रहा ही है, किसी को टाइट आ रहा है किसी को बड़ा हो जा रहा है, तो आज उनका स्टॉक आया है तो मैं अभी जाती हूँ फिर जाके आप लोग को बताऊँ। फाइनली अमरीन आ चुकी है, अभी बच्चे लोग के कपड़े एक्सचेंज कराने आए थे हम लोग, अभी वो हो गए शायद, अभी देखते हैं इंशाल्लाह हो गया तो लेके जाते हैं। सैफ घर पे आते ही साथ अंदर बेडरूम में आके लेट गए, क्यों? क्योंकि बाइक पर सैफ का मेरा थोड़ा हुज्जत हो गया कोई बात पे। तो गाइज एक बात बता दूं मैं आप लोग को, इनको बोलो इतना गुस्सा नहीं होने का किसी से। हेलो मिस्टर कुरैशी, हेलो हेलो मिस्टर कुरैशी, अच्छा चलो सॉरी, अरे सॉरी ना उठ जाओ जल्दी, हुक्का नहीं पी रहा अपना, आग खोलो, नहीं पियेंगे क्यों मैं भी। तो गाइज फाइनली मैं घर आ चुकी हूँ,
और ये पूरा पसारा यहाँ पड़ा है। अब मैं आप लोग को नहीं बताऊंगी, अब आप लोग ईद में देखना, जो भी मैंने कपड़ा लाई वो आप लोग को ईद में पहनकर दिखाऊंगी। तो चलो व्लॉग को करते यहीं पर एंड। डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना मत भूलना। तो मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।